सन ऑफ द मास्क 5 के कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन लॉरेन गुटरमैन ने किया है। द मास्क की अगली कड़ी द मास्क फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त द डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला का रूपांतर फिल्म है। जे मेडी कैनेडी टीम एवरी की भूमिका निभाई है जो एक महत्वाकांक्षी एनिमेटर जिसका बच्चा मास्क की शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। इसमें लोकी के रूप में एलन कमिंग सह कलाकार जिन्हें ओडिन टायलर हॉवर्ड जोल पेन स्टीवन रॉइट बॉब हॉकिंस के साथ मास्क खोजने का आदेश दिया गया है। ओडिन के रूम में ओरियन लियाम फाल्कर टीम के बच्चे एलवी के रूम में हैं बेन स्टैनली मूल फिल्म के डायरेक्टर आर्थर न्यूमैन की भूमिका निभाई है। रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक और वित्तीय रूप से असफल है। इसने 84 से 100 मिलियन के बजट के मुकाबले $59 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की थी। मूवी के निर्देशक थे लॉरेंस गुटरमैन लिखी थी लॉन्स खचाई आधारित थी द्वारा मखोटा जॉन और किडो क्रिस वॉर्नर डोंगे महंगे उत्पादन था एरिका हिंगस स्कॉट क्रॉफ जेमिडा कैनेडी। इस मूवी का बजट था $84 से 100 मिलियन। इसने बॉक्स ऑफिस पर $60 मिलियन की कमाई की थी। डॉक्टर आर्थर न्यूमैन एक सिटी के स्थानीय श्रृंखला में नर्स पुराने कथाओं की हाल का भ्रमण कर रही हैं। न्यूमैन को लेकर के शरारत के देवता लोकी ने मुखौटा बनाया और मानव जाति के लिए अराजकता फैलाने के लिए इसे पृथ्वी पर फिलहाल जो इसे लोग पहनते हैं उनकी शक्तियाँ प्रदान की जाती है। न्यूमैन अपने पिता ओडिन के साथ लोकी की कैद करके फिक्र करता है और अजनबी क्रोध हो जाता है और बदल जाता है खुद को लोकी बताता है। पर्यटक घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। लोकी न्यूमैन लोकी के साथ बहस करने के लिए रुकता है। डिस्प्ले केस में मुकुटा लेता है लेकिन उसे एहसास होता है कि वे प्रतिकृति गुस्से में न्यूमैन का चेहरा हटा देता है केस पर रख देता है। आने से वाले अधिकारियों को निपटा देकर संग्रहालय से बाहर निकल जाता है। फ्री सिटी में अगली मुखोटा में एक नदी में ओटिस नाम के कुत्ते को मिला जो टीम एवरी का है। महत्वाकांक्षी एनिमेटर टीम अपनी पत्नी टोनी के साथ माता पिता को स्वीकार करने में अनिच्छुक है और उस कटिबंधित द्वीप पर लोकी तब तक आराम कर रहा है जब तक कि ओडिन ने मुखोटे की खोज फिर से शुरू करने का आदेश नहीं दिया। यह मानते हुए कि इसमें मानव जाति की बहुत अधिक अराजकता पैदा कर दी है लोकी अपने पिता से मदद मांगता है लेकिन ओडिन कहता है कि उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। टीम अपने स्टूडियो को हैवलिन पार्टी के रूप में सदाबा करता है। टीम अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके कैंट माई ऑफ दी रिमिक्स प्रस्तुत करता है जिससे कार्यक्रम में जोश भर जाता है। टीम के बॉक्स डेनियल बॉस को एक नए कार्टून से प्रेरणा मिलती है। उस रात टीम अपने घर लौटता है और मास्क पहने हुए टोनी के साथ संबंध है एक बच्चे की कल्पना की जाती है। मास्क किसी की शक्तियों के साथ पैदा होता है जो ओडिन के सचेत करता है। एक स्टोर क्लर्क में ध्यान में रखते हुए ओडिन ने लोगी को सूचित किया कि कहा कि अगर उसे बच्चा मिल गया तो मुखोट तो भी ढूंढ लेगा। लेकिन महीनों बाद टोनी अपने बेटे एलवी की टीम को छोड़कर एक व्यापारी की यात्रा पर जाती है। टीम अपदुनित हो गया है और कार्टून पर काम करने की सख्त कोशिश करता है लेकिन एलवी द्वारा उसे लगातार बाधित किया जाता है। सन ऑफ द मास्क 5 के कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन लॉरेन गुटरमैन ने किया है। द मास्क की अगली कड़ी द मास्क फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त द डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला का रूपांतर फिल्म है। जे मेडी कैनेडी टीम एवरी की भूमिका निभाई है जो एक